हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज रिव्यू करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल। यार देखो, कई ज़्यादा साइकिल जाती है, कई ज़्यादा ब्रांड आते हैं, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स तो शायद आपको इसके कम में भी प्रोवाइड कर देंगे साइकिल, बट आई प्रोमिस यू ब्रांड्स में इससे ज़्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। आई नो आप लोग प्राइस के बारे में सोच रहे हो, प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू राइड करके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, किन लोगों को एक्चुअली ये साइकिल खरीदनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन होने ही वाला है। एंड व्हाट डज इट मेक, आई मीन क्यों है ये इतनी सस्ती साइकिल यार, इसके बारे में भी हम चर्चा करने ही वाले हैं। दिस इज द ई मोटोराड X1 ऑन रोचक फॉर स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो पीपल। ऑल्सो अगर आप लोग को साइकिल ये लेनी है तो भाई शौर्य साइकिल्स का नंबर तो आप लोग को पता ही है, शौर्य साइकिल्स ने अपने को साइकिल प्रोवाइड की है, नंबर घुमा देना, फोन कर लेना, मेरा नाम ले लोगे तो आप लोगों को तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा यार। नाउ लेट्स कम टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द साइकिल, जो कि टॉक ऑफ द टाउन होने ही वाला है। मैं जरा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग साइकिल देख सकते हो बराबर से। यार ये रही साइकिल, द साइकिल लुक्स एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल। येलो और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है साइकिल के अंदर। थोड़ा आगे अगर अपन चलते हैं तो भाई ये रहा साइकिल का फ्रेम, विच इज़ अ हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम, जो कि अच्छा दिखता है, लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप लोगों को ई मोटोराड का बैजिंग मिल जाती है, ब्रांडिंग जो है यहाँ पे दिख जाती है यहाँ पे। सो लुक्स परफेक्ट, अच्छी दिख रही है साइकिल। अभी हम दूसरी चीज़ देखें साइकिल के अंदर, तो भाई 27.5 इंच की साइकिल है ये वाली। भाई फोक्स हमें मिल जाते हैं 100 mm के, जो कि ट्रैवलिंग वाले के लिए सही हो जाते हैं बिल्कुल। नाउ आई सी थोड़ा सा इसको अगर हम पुश करें नीचे तो बिल्कुल सही है भाई, गड्ढे वड्ढे स्पीड ब्रेकर में आपका काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। द साइकिल विल बी एज स्मूथ एज इट इज़, जैसे कि खड़ी हुई है उसी हिसाब से। नीचे चलो भाई तो देख सकते हो आप लोग मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आप लोग को मिल जाते हैं यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे भी आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और पीछे भी आप लोगों को मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 27.5 इंच का टायर भी है, सेम चीज़ यही है भाई, क्योंकि 27.5 इंच की साइकिल है तो भाई टायर भी 27.5 इंच का है, आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। अब टायर के पास से थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है रिम, जो कि एलुमिनियम अलॉय की है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग भाई। तो ये सारी चीज़ें साइकिल के अंदर अच्छी है। आप लोगों को अगर ऊपर देखना है तो भाई ऊपर आके देख लो, तो ऊपर आप लोगों को स्टील वाला हैंडल मिल जाता है, विच इज़ अ वाइड हैंडल, दिस इज़ रियली गुड भाई। 660 mm का आप लोगों को हैंडल मिल जाता है, थोड़ा सा वाइड है, विच विल गिव यू इवेंचुअली अ गुड कंट्रोल। और एक चीज़ अगर मैंने मिस आउट कर दिया आप लोगों को बताने के लिए तो वो है भाई स्पोक्स, जो कि आप लोगों को स्टील के मिल जाते हैं अगेन, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगेन साइकिल भरपूर भरी हुई है ये सारी चीज़ों से। ये रही भाई साइकिल की हार्ट बीट, विच इज़ द मोटर। भाई थोड़ा पास से देख लो, दिस इज़ द 36 volt 25 watts की रेयर हब मोटर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, विच इज़ द हार्ट ऑफ द साइकिल। अगेन भाई ये हो जाते हैं धड़कन हो जाती है बेसिकली साइकिल की, विच इज़ द बैटरी, रिमूवेबल बैटरी आप लोग को मिल जाती है। दिस इज़ अ 36 volt 7.6 Ah लिथियम आयन बैटरी वाली है, रिमूवेबल है, अभी लॉक्ड है। अभी मैं इसको ओपन करके इस तरह से ये रिमूव हो जाती है और ये पूरी बैटरी आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। अब बैटरी आप लोग को चार्ज वार्ज का जो है मैं आप लोग को बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से चार्ज होने के लिए आप लोग को मिल जाती है जगह, दिस इज़ चार्ज करने के लिए, ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ये जब तक नहीं चलेगा तब तक आपकी साइकिल आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसको चार्ज करने में 80% चार्ज करने में आई थिंक आपको 4 घंटे इसको लग जाते हैं प्रॉपर, एंड देन उसके बाद आप लोग इसको कैसे घर वर पे भी लेके जाके चार्ज कर सकते हो आराम से, जहाँ चाहिए आप लोग को चार्ज कर सकते हो। एंड देन आप लोग इसको अगेन यहाँ पे अटैच कर दो, देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे बैटरी नहीं लगी होती है। यहाँ पे कैसे मोस्टली लोग पानी की बॉटल लगाने के लिए वो लगा लेते हैं, बट यहाँ पे दी गई है वो स्पेस, यहाँ पे दो नट पीछे भी है, सो वो एक स्पेस अच्छी तरह मिल जाती है आप लोगों को। एंड देन अगर आप लोग को वापस इसको लगानी है तो भाई इस तरह लगा लो आप लोग, एंड देन यू जस्ट लॉक इट। बट देन ये चाबी चाहिए आप लोगों को, चाबी इसके लिए अलग है। और फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ तो चाबी से मेरे को याद आया कि भाई यहाँ पे भी चाबी आप लोग को लगती है साइकिल चालू करने के लिए। नाउ दिस इज़ ऑफ और ये हो गई ऑन हमारी साइकिल, तो यहाँ पे आप लोग को पावर इंडिकेटर दिख जाएगा। तीन लाइट है, तीन ग्रीन लाइट, यानी कि मतलब कम से कम 80% बैटरी होनी चाहिए साइकिल के अंदर, एंड देन फिर इसको आप ऑफ कर दो। बेसिकली आपको दो अलग अलग चाबियाँ मिल जाती है साइकिल में टू ऑपरेट इट। हैंडल वैंडल भी आप लोगों को अच्छा मिल जाता है साइकिल के अंदर देखने के लिए, 660 mm का हैंडल है इसके अंदर, सो क्वाइट वाइड, उस तरह से भी साइकिल अच्छी हो जाती है। साइकिल की बनावट बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अभी साइकिल को एक्चुअली राइड पे लेके जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ साइकिल एक्चुअली कैसा
फील करते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। नाउ वे आर आउट ऑन द रोड भाई। अभी अपन इंडिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहे हैं, अभी सीधा चल रही है सब साइकिल, ओनली ऑन द थ्रॉटल, आई एम नॉट पेडलिंग राइट नाउ। थ्रॉटल इसकी पावर अच्छी है, लेकिन आई जस्ट फील इसकी टॉप स्पीड फिर भी कम है। 25 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड कहते हैं, बट आई डोंट थिंक 25 किलोमीटर्स ये रीच करती है। आई थिंक 22-23 पे शायद लॉक हो जाती है। तो इतना, जैसे हम अगर वाइड रोड पे शूट कर रहे हैं तो आपको उतनी ज़्यादा पावर फील नहीं होती है इसके अंदर। मे बी अगर आप थोड़ा और क्लोज पैरामीटर्स में साइकिल चलाओ तो यू विल फील मोर स्पीड ऑब्वियसली, क्योंकि छोटी जगह है, नारो सड़क है या नारो जगह है तो अलग बात है। अभी भी थ्रॉटल पे चल रही है तो थोड़ा सा स्लो फील होती है साइकिल ओनली ऑन द वाइड रोड्स। अगर मैं लेकिन साथ में पेडल करने लग जाऊँ तो फिर साइकिल में कुछ बात है, तब जाके साइकिल के अंदर थोड़ी पावर जनरेट होती है, तब जो है थोड़ा सा पुश मिलता है आप लोगों को, थोड़ा सा किक मिलता है, जहाँ पे साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट निकलती है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई फील अबाउट द साइकिल इज हैंडल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा दिया गया है, सो फॉर द स्टेबिलिटी एंड क्या बोलते हैं ना यार, आपका जो कंट्रोल है वो बेटर आता है। क्योंकि ई मोटर राड ऐसा कहता है कि भाई ये साइकिल कैसे आउटडोर एक्सप्लोर करने के लिए, कम्यूट करने के लिए, सिटी पर्पसेस के लिए, जिन लोगों को शायद सोसाइटीज़ में चलाना है तो उस सब के लिए साइकिल है। सो मे बी अगर आप जब आउटडोर एक्सप्लोर करने जाओ या ऐसी कोई जगह जाओ जहाँ पे ट्रेल्स में थोड़ा सा यू नो उबड़ खाबड़ हो, तो देन दिस गिव्स यू अ गुड कंट्रोल, क्योंकि हैंडल लंबा है तो आपको कंट्रोल थोड़ा बेटर मिल जाता है ऑब्वियसली। बट सिर्फ पेडल करूँ मैं अगर ये साइकिल, क्योंकि गियर है नहीं ये साइकिल में, वी स्पोकन अबाउट इट ऑलरेडी, गियर है नहीं, फिर भी साइकिल अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है। दिस इज़ वन ऑफ द साइकिल जिसको थोड़ा सा आपको यू नो टाइम टू टाइम गियर मेंटेनेंस आई मीन देना पड़ेगा, जो सिंगल चेन वाला है ऑब्वियसली। यहाँ से यू टर्न लेते फिर मैं बताता हूँ आगे क्या है। साइकिल चल रही है, बढ़िया चल रही है। गियर के बारे में हम बात कर रहे थे, सिंगल चेन है इसकी, मेंटेन करने की ज़रूरत इसको पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा बूस्ट मिल रहा है, दिस फील्स क्वाइट कम्फर्टेबल। साइकिल इज़ नॉट अ बैड राइड एट ऑल फॉर द प्राइस दैट इट कम्स इन, बहुत सही है। पेडल कर रहा हूँ आराम से, अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, इतना प्रीमियम इलेक्ट्रिक साइकिल वाला फील आपको नहीं आता है ऑब्वियसली, वो थोड़ा मिस आउट होता है इसके अंदर, बट बाकी सब कुछ जो है वो सही है। अभी मैं सिर्फ थ्रॉटल देके देखता हूँ एक बार, तो यू गाइस कैन सी अभी हम कैसे थोड़ा फास्ट चल रहे, कैसे स्लो डाउन हो जाएंगे। नाउ इट्स ओनली ऑन द थ्रॉटल, तो स्पीड जो है ना कम हो जाती है और थ्रॉटल के हिसाब से जो स्पीड है ना वो होने लग जाती है। ऑल्सो वन थिंग, साइकिल के अंदर क्या है, चलाते टाइम अगर आप ब्रेक मार दोगे ना तो एक थ्रॉटल से कटआउट हो जाएगी, तो आप ब्रेक दबाते हुए थ्रॉटल दबाओगे ना तो आगे नहीं बढ़ने वाली ये वाली साइकिल। तो मैं आपको छोटा सा एक चीज़ करके दिखाऊंगा, बट राइट नाउ द साइकिल इज गोइंग टू गुड। अब सिर्फ थ्रॉटल पे चल रही है साइकिल राइट नाउ, तो थोड़ी स्लो हो जाती है, इवन कैमरा में भी आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी साइकिल स्लो हो जाती है। सो यार ये एक थोड़ा सा आई डोंट नो वाइडर रोड से आपको ज़्यादा फील होगा, अदर देन दैट दिस एक्चुअली फील्स गुड। साइकिल चलाने में मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं, इट्स अ फन राइड। ई मोटर राइड की साइकिल है, इट्स एन इंडियन ब्रांड भाई, इंडिया में बनी है वाली साइकिल। अब एक बार इसको अपन थोड़ा सा लिमिट एक्सीड करके देखते हैं, वे वील गो फास्ट विद द साइकिल, आई पेडल थोड़ा सा फास्ट और अपन तेज चलेंगे। सी गिव्स यू स्टेबिलिटी जब आप फास्ट जाने की कोशिश करते हो, सो दैट्स रियली गुड फॉर सिटी कम्यूटर्स स्पेशली। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों को मिल जाती है साइकिल के अंदर, इवन इतनी स्पीड में भी साइकिल आराम से चलती है। अब साइकिल का जो पीएएस है ना वो भी अच्छा है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत किक, थोड़ी बहुत आपको एक पीछे से जो होता है ना पेडल असिस्ट टाइप, वैसा आपको साइकिल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, ये भी अच्छी है। एज अ प्रोडक्ट जो कि है ये ऑब्वियसली इट्स अ साइकिल, तो अगर उस हिसाब से बात करें ना जस्ट एज अ साइकिल तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑनेस्टली, क्योंकि फॉर द प्राइस पॉइंट दैट इट कम्स इन आपको इसके अंदर सब चीज़ मिल जाती है, आपको कंट्रोल, स्टेबिलिटी, इवन डिफरेंट टेरेंस में भी अगर आप लोगों को जाना है तो भी आप लोग ये साइकिल लेके जा सकते हो। सो बाइंग वन प्रोडक्ट एंड फुलफिलिंग योर 10 अदर नीड्स वाली बात हो जाती है, सो दिस इन ऑल टोटालिटी इज़ अ गुड डे। तो भाई यही है साइकिल का कि यार चलने में अच्छी है, स्टेबल है, थ्रॉटल ईजी है, पेडल अच्छा है, सिंगल गियर है, बट फील्स गुड। ऑब्वियसली प्रीमियम फील नहीं आएगा, बट फॉर द प्राइस पॉइंट दैट इट कम्स इन इट्स अ गुड राइड, क्वालिटी राइड है, ऐसा नहीं है आसपास जाना हो या कुछ हो तो उसके हिसाब से ये वाली साइकिल बेस्ट है। ई मोटर राड X1 चलाई, इतनी चलाई, कितनी लंबी चलाई आप लोगों ने देखा, इतनी सारी बातें भी की हम लोगों ने साइकिल के बारे में। अब देखो इसकी रेंज आप लोगों को 40+ किलोमीटर्स मिल जाती है,
टोटल नहीं दिया गया है कि कितने, बस 40 प्लस किलोमीटर्स मेंशन की गई है। तो भाई हम भी 40 प्लस किलोमीटर्स ही एक्सपेक्ट करते हैं साइकिल से। रियल लाइफ देख लोगे तो आई थिंक अगर 40 प्लस कह रहे हैं तो आई थिंक 30 किलोमीटर्स की रेंज आपको कंफर्टेबली साइकिल के अंदर मिल जानी चाहिए। अब जब साइकिल चलाएं, साइकिल स्टेबल है, कंट्रोल अच्छा है, हैंडल सही है, स्टेबिलिटी एक्चुअली साइकिल की अच्छी हो जाती है जब आप चला भी रहे हो, तो थ्रॉटल जो है काफ़ी ज़्यादा सही है। जिस तरह से साइकिल अभी निकली तो थ्रॉटल इज़ गुड एज वेल, बैटरी अच्छी है, मोटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। थोड़ा सा मोटर कैसे, थोड़ा सा वीक तो नहीं है बट थोड़ा सा थ्रो इन पावर आपको शायद लग सकता है कम है, क्योंकि मैंने आप लोगों को चलाते टाइम भी बोला है कि यार देखो वाइड रोड पे चलाओगे तो आप लोगों को शायद ऐसा फील आएगा, इट्स बिकॉज आपके साथ अदर ऑब्जेक्ट्स भी इतने फास्ट मूव करते हैं कि आप लोग लगेगा कि जो साइकिल है वो शायद स्लो चल रही है। बट सेम अगर आप नैरो पैरामीटर्स में चले जाते हो और तब आप ये वाली साइकिल वहाँ चलाओगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है इसकी जो पावर है वो ठीक है। सो आई थिंक लंबा कम्यूट करने के लिए ये साइकिल मत लेना। पास में कम्यूट कर रहे हो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के इसमें तो आई थिंक फिर भी ठीक है, मैक्स टू मैक्स आई थिंक 6-7 किलोमीटर्स विल स्टिल डू गुड ऑन द साइकिल। उससे ज़्यादा अगर जाओगे तो फिर आई डोंट थिंक आप लोगों को साइकिल लेनी चाहिए, क्योंकि भाई उससे ज़्यादा फास्ट तो फिर पेडल करके ही पहुँच जाओगे। टॉप स्पीड भी आई थिंक इसकी कुछ 25 किलोमीटर की है, मैंने आप लोगों को चलाते टाइम भी बताया था। तो ठीक है यार, साइकिल के अंदर मेरे को तो काफ़ी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। चलाते टाइम एक प्रीमियम फील आता भी है और नहीं भी आता है, मे बी मुझे ये चीज़ लग रही है क्योंकि मैं इतनी सारी साइकिल्स रिव्यू करता हूँ या चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रीमियम है ये नहीं है। बट अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यहीं पे प्राइस बता देता हूँ मैं आप लोगों को साइकिल की, विच इज़ 25,000। ये साइकिल की 24,999 बेसिकली 25,000 ही हो जाता है। अब 25,000 के हिसाब से जो फील साइकिल की आती है चलाने के लिए, जो जनता इस सेक्टर में ऐसी साइकिल देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये साइकिल भाई बढ़िया है। इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा 25,000 में साइकिल लेने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक साइकिल। बस 2-3 चीज़ें इसके अंदर जो है वो मिसिंग है। हॉर्न वॉर्न आप लोग लगा सकते हो, ऑप्शनल है, इसमें लगा हुआ नहीं है। हेडलाइट भी आप लोग लगा सकते हो, वो भी है, बट गेयर नहीं है साइकिल के अंदर, गेयरलेस साइकिल है भाई। तो ये ऐसा है कि अगर आपकी बैटरी मर गई तो यार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि फिर आपको खुद एफर्ट डाल के जाना पड़ेगा, जबकि इसका कैसे PAS जो है ना वो भी सही है, ऐसा इन्होंने बोला है। PAS पे आपको 40 किलोमीटर्स की मिल जाएगी, दैट इज़ सिर्फ पेडल एंड देन थोड़ा बहुत थ्रॉटल दोगे तो आपको 40 किलोमीटर्स मिल जाएगा, एंड 30 किलोमीटर्स सिर्फ थ्रॉटल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी, यानी कि सिर्फ थ्रॉटल चलाओगे तो सिर्फ 30 किलोमीटर्स में आप लोगों को ईजिली मिल जाता है। ये अब कंपनी क्लेम्ड है भाई, मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बताया 30-35 किलोमीटर पकड़ लो सब पकड़ के कि आपकी साइकिल इतनी ही चलेगी, उससे ज़्यादा भी चल सकती है, डिपेंड आप कैसे रेंज निकालते हो। प्रोडक्ट वाइज मैं देखूँ बैटरी सॉलिड है, मोटर की जान अच्छी है, सैडल कंफर्टेबल है, इट्स अ गुड बिल्ट, नॉट अ बैड लुकिंग साइकिल एज वेल, दिखने में भी साइकिल अच्छी है, और कैसे पेडल वेडल की क्वालिटी भी प्लास्टिक है, ठीक है, अच्छा है, दिस इज़ नॉट अ बैड साइकिल एट ऑल। आई थिंक जिस प्राइस में ये साइकिल आप लोगों को मिल जाती है, दिस इज अ श्योर शॉट डील ब्रेकर साइकिल फॉर यू गाइस। जिस तरह हम बात कर रहे थे साइकिल के बारे में, उससे मेरा यही वर्डिक्ट है कि दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ऑप्शन फॉर यू गाइस टू परचेज अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक साइकिल। बजट थोड़ा टाइट है लेकिन अच्छी साइकिल विच इज़ ई मोटोरॉड X1 इज़ अ साइकिल फॉर यू गाइस भाई लोग। तो यार मेरे को साइकिल रिव्यू करने में मज़ा तो हमेशा आता ही है, ये साइकिल रिव्यू करने में थोड़ा एक्सपीरियंस अलग था क्योंकि इट्स द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल, मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बोला था द रीज़न इट्स द चीपेस्ट इज़ बिकॉज कुछ चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है साइकिल के अंदर, कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं भी मिलती जो कि आपको ऑप्शनल में मिल जाती है। सो इवेंचुअली आपको शायद उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, एंड दैट विल सम अप टू 30,000-32,000। जैसे लाइट लगा ली, हॉर्न लगा लिया, इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग करना चाहो तो थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आई नो आई एम एग्जैजरेटिंग, बट कम भी कर लोगे तो 30,000 मोटा मोटी पकड़ लो। अगर आपको एक्स्ट्रा खर्चा इसके ऊपर करना है पड़ गया तो मोटा मोटी ऐसे पकड़ के चलो 27.5 इंच में ज़्यादा इलेक्ट्रिक साइकिल्स अपने को देखने मिलती है नहीं इस प्राइस पॉइंट में। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड परचेज, आई रियली एंजॉयड रिव्यूइंग दिस साइकिल। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ यार। मैंने आप लोग को चार्जर के बारे में भी बता दिया, चार्जर भी उस तरह से वर्क ऑन करना जिस तरह से कर रहे हो, रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है, ये चीज़ भी अच्छी हो जाती है। एक बात और यार, अगर आप लोगों को मेरे ये वाले वीडियोस पसंद आ रहे तो यार कमेंट्स में प्लीज़ बता दिया करो यार। सबसे अच्छी बात चैनल की यही है यार, आप लोगों से बात करने के लिए मिलता है, कम्युनिकेट करने मिलता है, कमेंट्स में आ जाओ वहाँ बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, वहाँ पे रोचक फॉर स्पोर्ट्स के नाम से सबसे मैं बातें करता रहता हूँ, सबसे कॉन्वर्सेशन होती रहती है, तो आप लोगों से भी और होती रहेगी। सो लेट मी नो जेन्युइनली कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, एक बार और याद दिला रहा हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, इट जेन्युइनली गिव्स अ बूस्ट। इस तरह के और वीडियोस बनते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए। सो आई थिंक दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।